हेलो, आवाज आ रही है अब? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? प्रतीक बताएं। ओके, सभी को नए दिन के लिए कहते हैं। तो आज हम पर्णव ग्रंथ में अंतर पढ़ेंगे। अरण ग्रंथ और प्रणव ग्रंथ होता क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए ये आपका पौधा है और पौधे में एक डंठल नुमा भाग निकलता है और इसके आगे एक लीफ बनती है। लीफ के बारे में इमेज अगर साफ ना है तो बता दें। लीफ के बारे में जान लीजिए। ये क्या है आपकी लीफ? कंफर्म। लीफ में पर्ण माने होता है पत्ती। पर्ण माने क्या होता है? पत्ती। पत्ती जिसमें लगी हो, ग्रंथ उसे लगी हो, तो ये आपकी लीफ। और लगी किसमें है? इतने बड़े भाग पर। तो ये डंठल नुमा भाग ही हमारा पर्ण वृंत कहलाता है। ठीक है, ये डंठल नुमा भाग ही हमारा पर्ण वृंत कहलाता है। पत्ती के बारे में पूरा भी मैं बता रहा हूं। और इतना भाग कहलाता है पर्ण फलक। इतना भाग क्या कहलाता है? पर्ण फलक। इसके बाद ये जो होता है, ये कोना, ये होता है पर्ण शीर्ष कोर। कोर माने कोना, पर्ण शीर्ष कोर और पर्ण पश्च कोर। कंफर्म। और ये जो जितनी भी लगी होती है, ये होती है सिराएं। क्या होती है? सिराएं। जैसे हम लोगों की नाड़ियां होती हैं, वही वाली सिराएं होती हैं जो पत्ती को, फलक को स्टेबिलिटी देते हैं। बीच वाली मध्य सिरा कहलाती है। ये वाला भाग मध्य सिरा कहलाता है। इतना कंफर्म हो गए। तो अब हमें पत्ती की तो बात करनी नहीं है, अब हमें बात करनी है लीफ लेट होता कहाँ। हमें पढ़ना क्या है? अंतर पढ़ना है सिर्फ। ठीक है, और मैंने बताया क्या? पूरी पत्ती बताई। इसके बाद प्रलाप ग्रंथ, ये क्या कहलाता है? प्रलाप ग्रंथ ये कहाँ होता है? जिन पौधों में ये न पाया जाए, ये जो डंठल नुमा भाग है मैं साफ कर देता हूं। ये जो डंठल नुमा भाग है ये ना हो, ये भाग कैसा हो? चपटा भाग हो। कैसा भाग हो? चपटा भाग हो और बिल्कुल लगा हुआ हो स्टेम से। किससे लगा हो? स्टेम से। ये भाग एकदम से चपटा हो और इसके आगे पत्तियां निकल आए। इसको कहते हैं प्रणव ग्रंथ। इसको क्या कहेंगे? प्रणव ग्रंथ। पर्ण ग्रंथ और प्रणव ग्रंथ पहले जान गए होते क्या है। तो
पर्ण ग्रंथ जो होता है, एक बार सुन लीजिए बड़े अच्छे से, कि पर्ण ग्रंथ पर्ण के डंठल नुमा भाग, पर्ण ग्रंथ पर्ण के डंठल नुमा भाग को कहते हैं। यह काम क्या करता है, यह काम पर्ण फलक को, पर्ण फलक मैंने कौन सी बताई थी, पत्ती बताई थी पूरी, सॉरी ये पूरा भाग क्या कहलाया था, पर्ण फलक कहलाया था, कहलाया था। इसको सहारा प्रदान करता है किस चीज के लिए, पिता संश्लेषण के लिए कहता है कि तुम आगे बढ़ो, क्या कहता है कि तुम आगे बढ़ो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी करो। यह खुद कुछ नहीं करता है, पर्ण खुद कुछ भी नहीं करता है, यह सिर्फ सहारा देता है इसको। दूसरा आ जाइए प्रणव ग्रंथ, चूंकि ये चपटा होता है और पत्ती नुमा संरचना होती है, फलक नुमा संरचना होती है, कैसी संरचना है ये, फलक नुमा है, और फलक नुमा संरचना में इसमें क्या सिराएं नहीं पाई जाती, क्या नहीं पाया जाता है, सिराएं नहीं पाई जाती है, परंतु पत्ती नुमा संरचना है, क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। तो अर्थात प्रणव ग्रंथ में क्या लिखेंगे, अगर एग्जाम में आता है तो लिख देंगे कि इसमें रेकिस का कुछ भाग, रेकिस यानी प्रणव ग्रंथ का कुछ भाग चपटा होकर पर्ण फलक जैसा रूप ले लेता है, इसे प्रणव ग्रंथ कहते हैं। ओके, तथा यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी करता है। अब हमने ये कहा था कि इसका अंतर, अंतर क्या लिखेंगे इसमें प्रणव ग्रंथ में, मान लीजिए इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो कि पर्ण ग्रंथ से ना मिलती, ठीक है, तो लिखो नंबर एक, इसमें एक मेरी स्टैम्प पाया जाता है, मेरी स्टैम्प पाया जाता है, ठीक है, तथा पर्ण ग्रंथ में क्या लिखेंगे, इसमें मेरी स्टैम्प नहीं पाया जाता, उसमें क्या पाया जाता है, कोई बताएगा, वह स्वयं में एक स्टेम ही होता है, एक तना ही होता है जो कि उसको साध के रखता है। दूसरा, यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। समझ में आ रहा है, ऐसे नो लिखे, ऑनलाइन तो सभी लोग हैं, कि इसमें एकल मेरी स्टैम्प पाया जाता है, किसमें, जो इस प्रकार से होता है प्रणव ग्रंथ, इसमें एकल मेरी स्टैम्प पाया जाता है। नंबर दो, यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, ठीक है। अब यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता क्यों है, कौन बताएगा, मैं इंतजार करूंगा एक मिनट के लिए, इसमें संश्लेषण की क्रिया यह क्यों करता है, यह कौन बताएगा, प्रतीक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों करता है, तीसरा पॉइंट है इसका प्रणव ग्रंथ का, मैं मेरी नजरें जो हैं वो आपकी कमेंट बॉक्स पर टिकी हुई है, कुछ भाई बता दीजिएगा कि प्रणव ग्रंथ में जो है, प्रणव ग्रंथ जो है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों करता है, यस या नो, पता हो तो यस लिख दें और उसका कारण लिखें, अगर ना पता हो तो नो भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं।
चलिए कोई बात नहीं, अभी तक आया नहीं, एक मिनट, इतना इंतजार नहीं कर सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है? जब क्लोरोफिल, सॉरी क्लोरोफिल पाया जाएगा, जब क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा, अतः इसमें लिख देंगे पदार्थ ग्रंथ में, क्योंकि इसमें, सॉरी इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होगी? जब क्लोरोफिल पाया जाएगा तभी तो होगी, तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि पर्ण ग्रंथ में इसमें क्लोरोफिल तो पाया जाता है, हरा होता है तो क्लोरोफिल के कारण ही हरा होता है, लेकिन पर्ण ग्रंथ सूख कर शुष्क भी हो जाता है, इसलिए उसको कंफर्म नहीं कह सकते कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। दूसरी एक कंफर्म बात है पर्ण ग्रंथ में, पर्ण ग्रंथ में ये कंफर्म बात होती है कि उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पत्ती में होती है और पत्ती को सहारा प्रदान किया होता है। ठीक वैसे ही जो आप पेन पकड़कर लिखते हैं, जैसे मैं इस पेन को पकड़कर लिखता हूं, तो लिखेगा किस चीज से? स्याही से, जबकि पकड़ा हुआ क्या है मैंने, पेन। ठीक है, तो प्रकाश जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह पत्तियों में ही होती है, क्योंकि पर्ण फलक जो होता है वह चौड़ा होता है, वह सूर्य का प्रकाश आसानी से अवशोषित कर लेता है। ओके, अगला चौथा पॉइंट है, बाहरी सतह। बाहरी सतह कैसी होती है? बाहरी सतह किस कैसे कहते हैं? एपिडर्मिस। गुड प्रतीक, बहुत अच्छे। बाहरी सतह मोम की, मोम मिश्रित, कैसी? मोम मिश्रित एपिडर्मिस पाई जाती है, एपिडर्मिस जाती है। ठीक है, बाहरी सतह किसी होती है? मोम मिश्रित एपिडर्मिस पाई जाती है। ठीक है, पांचवा पॉइंट इसमें, जो मैं इसके पॉइंट लिखा रहा हूं अंतर में पर्ण ग्रंथ में, उसके अपोजिट लिख देना, आपका काम चल जाएगा। हालांकि अभी मैं कुछ उसके टॉपिक्स बता दूंगा। तो कितने पॉइंट हुए थे? चार, पांचवा लिखिए। कोशिकाओं में पैपिला नहीं पाया जाता, कोशिकाओं में पैपिला नहीं पाया जाता। छठवां, पैरास्टिक स्टोमेटा पाया जाता है। क्या किया जाता है? पाया जाता है। ठीक है, और सातवां पॉइंट है, इसमें इंटरनोड नहीं पाए जाते, इसमें इंटरनोड नहीं पाए जाते। मैं इस पॉइंट को ऊपर लिखूंगा, मुझे नहीं लग रहा है आपको दिख रहा होगा। सातवां, इसमें
इंटरनोड नहीं पाए जाते। ठीक है, नोड और गुड। प्रतीक का क्वेश्चन है पैपिला क्या है। चलो पहले पॉइंट पूरे में कर लेता हूं। अब एक अंतर आप लोग बताएंगे, परव्रत और प्रणाव व्रत। ये कंटेक्ट तो बात की बात है, इस जो प्रतीक ने लिखे हुए हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन ये बात की बात है। सम प्रणाम ग्रंथ में ऐसा होता है, सभी में नहीं होता। जो आपने पैपिला की बात की थी वो मैंने यहां दर्शाया हुआ है। पैपिला क्या होता है, जो ये लीफ है आपकी, ठीक है, इसमें ये कैसा है ना गोल, इस तरह कैसा है, इसके इसके पूरे जो गोल परत तो होती है, इस पूरे गोल को पैपिला कहते हैं। डन। हाँ, हवाए फैटियों के रूपांतरण के कंटेक्ट पाए जाते हैं, जैसे नांगफनी में जो प्रतीक कह रहे हैं कि इसमें फैटियों के कंटेक्ट पाए जाते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में प्रतीक का कमेंट देख लें कि सर पैटियों के रूपांतरण कंटक पाए जाते हैं, ये नांगफनी में भी होता है। ये क्या होता है, ये कांटों के रूप में विभाजित हो, मतलब परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, पैटियो बोलते हैं इसको। तो पैपिला समझ में आ गया आपके, अंतर आठवां प्रतीक ने कर दिया, आठ अंतर बहुत होते हैं आपके एग्जाम के लिए। डन। इसमें अभी भी जो समझ में ना आए वो बता दें। जो चीज अभी भी समझ में ना आई हो वो बता दें। और अब सभी से निवेदन है कि कोरोना जैसी बीमारी चल रही है, कृपया घर पर ही रहें, और आप घर पर रहकर अपनी क्लासें पूरी करें। यह मेरा वादा है, हम आपको जितने भी क्वेश्चन हमने आपको लिखाए हुए थे मैं पूरी कर दूंगा। समय अच्छा मिला है, अभी एक महीने आपके पेपर मुश्किल है जो हो पाए, तब तक मैं सभी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वह मैं पूरे कर दूंगा। आप अपने साथियों से कहें कि इस चैनल पर आ जाए, सबको लिंक भेज दें, जोड़े वो क्लास ले सकते हैं। डन, मतलब अब हमें कुछ नहीं पढ़ाना है। तो अब ये बताओ, ये क्वेश्चन अगला कौन बताएगा कि अगला क्वेश्चन क्या था। अगला मैंने क्वेश्चन दिया हुआ था, याद आया किसी को, तुलसी के बारे में।
तुलसी के बारे में दिया हुआ था, कौन कौन बताएगा? होती क्या है तुलसी? हिमांशु यादव जी का क्वेश्चन है कि सर ऐसा बताइए कि पेपर न हो और पास हो जाए, आप एक बात बिल्कुल गांठ बांध कर रख लीजिएगा कि मूल्यांकन के बिना किसी भी बच्चे की स्ट्रेंथ को नापा नहीं जा सकता। आप लोग आगे जाके देखेंगे, जाके पढ़ेंगे, जाके कोई बीएड करेगा, कोई कुछ करेगा, तो क्षमता, किसी भी छात्र की क्षमता उसके मूल्यांकन से नापी जाती है कि आपको कितना आता है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि बिना पेपर के आपको पास कर दिया जाए। बिल्कुल याद रखिएगा कि बिना पेपर के आप कतई पास नहीं हो सकते हैं। मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास इतनी कठोर नहीं लेता हूँ कि आपकी समझ में, अगर आप क्लास से ज्वाइन करते रहेंगे तो भी आप आसानी से पास हो जाएंगे। तो तुलसी जो है ये भाई हिंदू धर्म का हॉली प्लांट है, पवित्र पौधा है, सारे दुख हरने वाला, सारी मेडिसिन इसके बिना तैयार नहीं होती है, ठीक है, बिना इसके बिना कोई भी मेडिसिन तैयार नहीं होती है। तो इसका सबसे पहले तो स्वरूप क्या होना चाहिए या दिखता कैसा है। तुलसी के बारे में जब पेपर में लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा यह दिखता कैसा है। तो नंबर एक, तुलसी एक शाखा युक्त, कितनी शाखाएं होंगी? एक होगी। तुलसी जमेगी अनेक, ऐसे जम सकती है, शाखा में पत्तियां यूं लगी होंगी इसी साथ, लेकिन मोटी शाखा एक ही होगी। ये कि तुलसी एक शाखा युक्त सुगंधित और सीधी रुएदार पौधा है। आप देखेंगे तो तुलसी में हल्के हल्के से रुए लगे होते हैं, ठीक है। अरे वाह, प्रतीक ने बता दिया, लेमिनेसी कुल का है, बिल्कुल राइट है, ठीक है। हल्के रुए लगे होते हैं, वर्दी स्वरूप कहता होता, पहले वर्दी स्वरूप पे चल रहे हैं, बाद में मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ क्या पाया जाता है। लेमिनेसी कुल बताई दिया है तो हमने कुछ ज्यादा बताना नहीं है। किस कुल का है? लेमिनेसी, इसका मतलब है प्रतीक पढ़ाई कर रहा है, ये लेमिनेसी कुल का पौधा है। इसकी लाल अथवा बैंगनी, किन्हीं किन्हीं में लाल होती है, किन्हीं किन्हीं में बैंगनी रंग की होती है, लाल या बैंगनी चतुष्कोणीय शाखाएं होती है। अगर निकलेंगी तो यूं निकलेंगी, चार होगा, ओके, चतुष्कोणीय लाल या बैंगनी रंग की शाखाएं निकलती, लेकिन शाखा सीधी होगी। पत्तियां कैसी होती? पहले तो ये हो गया शुरू, पत्तियां कैसी होंगी? पत्तियों में भी रुए पाए जाते हैं, यस या नो? पत्तियां हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगी होंगी, ठीक है, ये याद रखना। किनारों पर कटी होंगी, ज्यादा बड़ी छोटी पत्ती होगी और अंडाकार होगी, ठीक है। पत्तियां साधारण एक दूसरे के विपरीत और दांतेदार किनारों पर अंडाकार आकार की बैंगनी रंग की होती है, बैंगनी या हरे रंग की भी होते हैं, ठीक है। दूसरा, पत्तियों की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर से लेकर 1.5 से 2 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है, ठीक है। तीसरा, फूल, अब पत्तियां हो गई, पत्तियां कैसी होंगी? अंडाकार होगी, किनारों पे कटी होंगी, ठीक है। फूल, फूल कैसा होगा?
फूल बहुत छोटे छोटे से लगते हैं, आपने देखा होगा बैंगनी कलर के लगते हैं फूल, छोटे बैंगनी कलर के। और कितने होंगे एक में पता नहीं, लेकिन 12 से 14 सेंटीमीटर की लंबाई पर होंगे छोटे छोटे फूल। यानी इतने बड़े भाग में जब तुलसी का पौधा हो यहां से फूल निकलेगा तो इनमें यूं फूल निकलता चला जाएगा। ठीक है, ये बैंगनी कलर का होगा, ओके। और 12 से 14 सेंटीमीटर यानी 1 से 1.5 फुट लंबे लंबे होते हैं। बीज कैसा होगा? बीज होगा, बीज छोटे अंडाकार समतल लाल अथवा काले धब्बों के साथ होते हैं। इसकी ऊंचाई पर कितनी होगी तुलसी के पौधे की ऊंचाई? बताइए। दो से ढाई फुट। ये लीगल नाप है जो कि किताबों में लिखे हुए मिलते हैं, परंतु तो हमने किया था तो 3.5 से, जब मैंने खेती की थी तुलसी की तो 3.5 से 4 फुट लंबे थे। फिर भी आपको यही लिखना है। अब आ जाइए तुलसी की प्रजातियां। कितना लिखा आपने पहले शुरुआत में पेपर में? तुलसी के पौधे के लिए स्वरूप उसका लिख दिया, पत्तियां लिख दी, फूल लिख दिया, फल लिख दिया, बीज लिख दिए। ठीक है, इसके बाद आ जाइए प्रजातियां। ठीक है, तुलसी का बॉटनिकल नेम कौन कौन बताएगा? कोई बताएगा? नहीं आ रहा है। ओसी मम सेंटम, सेंटम ओसीमम सेंटम। ठीक है, ये खाली तुलसी है। हिंदी में लिख दू ओसीमम सेंटम। ठीक है, खाली तुलसी, इसका नाम कोई बताएगा? खाली तुलसी का सभी का नाम बोटेनिकल नेम हॉर्सलोंग से शुरू होगा, और यहां पर खाली तुलसी जो होती है अमेरिकन होती है, अमेरिकन खाली तुलसी हो गए। ठीक है, मरुआ, मरुआ तुलसी हल्के भूरे रंग की होती है। ठीक है, इसको मुरसा भी कहते हैं, मुंजरिका भी कहते हैं, मुरसा भी कहते हैं, मुंजिका भी कहते हैं। बहुत अच्छे। चलिका बैस बैसिल कम, बहुत सही, और शुभम बैसिल कम। ठीक है, राम तुलसी, राम तुलसी इसको क्या कहेंगे? और सिमम कौन बताएगा? ग्रेटी शिकम, ये राम तुलसी है। ठीक है, एक होती है कपूरी तुलसी जिसकी खेती मैंने की थी। ठीक है, इसको कहते हैं ऑसिमम किलिमंड, किलिमंड चेरिकम, ऑसिमम सॉरी किलिमंड चेरिकम। एक तो ये हमारे तुलसी हो गए,
इसका औषधीय महत्व सबसे पहला तो ये जान लो कि इसका जो महत्व है वो तो बाकी हिंदू धर्म में बिना तुलसी के कोई भी कार्य नहीं होता। एक तो ये मान लो, कोई भी कार्य हिंदू धर्म में बिना तुलसी के नहीं होता है। शादी विवाह और इत्यादि सारी चीजें, बच्चों में मक्खी कहां से आ गई, तो इसको पूजनीय माना गया है। परंतु इसके बहुत, एक तो ये रोगनाशक है, ये कैसी है, इसके गुण क्या है, रोगनाशक नंबर एक। नंबर दो सुगंध में भी तुलसी का प्रयोग किया जाता है और सिरदर्द में भी तुलसी का प्रयोग करते हैं। और बताए कोई, हिचकी खांसी ज्वर में भी तुलसी काम आती है, ठीक है। तो ये तुलसी का हो गया। तो तुलसी लेनियसी कुल का पौधा है, अब हमें ये बताइए, ये टॉपिक भी डन हो गया, जो हमें पढ़ाना था ये टॉपिक भी डन हो गया है। जी हाँ, खांसी जो है, खांसी बुखार में काम आएगी, हिचकी में, हिचकी भी आती हो तो तुलसी का आयल लगा दिया जाए। अब तुलसी का तेल प्राप्त कैसे करेंगे, सबसे पहले तो बवाही हो जाएगी, फिर उसके बाद इसकी पत्तियों को भाप आसवन विधि द्वारा इसका तेल निकाला जाता है और यह तेल इन सारे लोगों में प्रयोग होता है। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं पर समाप्त होती है। कल 9 बजे फिर से मिलेंगे। सभी लोग समय से आ जाया करिए, जैसे आ जाए थे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।